इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी को भी डिस्क्राइब करने को, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, किसी के भी इंसान के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी भी इंसान को हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत थोड़े से शब्दों में कुछ चीज डिस्क्राइब करना होता है, वो बहुत लंबे में नई कोई चीज को बोलना चाहते लेकिन उनको पता नहीं होती चीजें, जब बात हम इंग्लिश की करते हैं तब। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको ऐसे वर्ड्स नहीं पता तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और जिनको पता है तो वो भी इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्या पता हमने ऐसे वर्ड्स वो वर्ड्स भी इंक्लूड कर दिए हों जो आप से छूट गए हों या जिनके बारे में आप नहीं जानते हो। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है अर्ली वर्ड। अब अर्ली वर्ड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत पंक्चुअल होता है, बहुत ज्यादा पंक्चुअल होता है। जैसे कि अगर आपको कहीं कोई मीटिंग है या कहीं आपकी कुछ ऐसी चीज है, आपको टाइमिंग दी गई है कि आपको 10 बजे आना है, तो वो 9:45 पे ही वहां पे आ जाएगा, वो आपको हमेशा पहले ही आया मिलेगा। अर्ली वर्ड का मतलब यही है कि अर्ली का मतलब पहले ही होता है यहाँ। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ऐसा इंसान जो कहीं पे भी पहले पहुंच जाता है। और इसका एक और मतलब होता है अर्ली वर्ड, मतलब ऐसा इंसान जो सुबह बहुत जल्दी उठता हो, जैसे कि 5 बजे 4 बजे इस प्रकार से, तो उस ऐसे इंसान को हम अर्ली बर्ड कहेंगे। तो अगर आपके बीच में कोई ऐसा इंसान है तो आप उसको अर्ली बर्ड कह के डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है डे ड्रीमर। तो डे ड्रीमर का मतलब है कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता है, मतलब बैठे ही बैठे, ऐसा होता है ना कई कई इंसान बैठे ही बैठे सपने देखते रहते हैं, जो उनको काम रहता है बस वो सब छोड़ के और दूसरी जगह पे उनका दिमाग रहता है, दूसरी जगह पे उनका दिमाग चलता है या दूसरी चीजें सोचते रहते हैं वो। तो ऐसे इंसान को हम डे ड्रीमर कहते हैं। ऐसा इंसान जो हमेशा कुछ और चीजें करने की सोचता रहता है, उसके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है बजाय इसके कि अभी क्या चल रहा है, मतलब वो जो अभी प्रेजेंट में चीजें चलती हैं उसके ऊपर इन लोगों का कभी ध्यान नहीं रहता है। उसके बाद नाइट आउल। तो नाइट आउल का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो रात भर जागता है या जो सोता ही नहीं है, उसको हम नाइट आउल कहते हैं। अब आप इसको आउल से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जो आउल होता है, जो उल्लू होता है, वो रात भर जागता है। तो आप उसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ऐसा इंसान जो रात भर जागता है या तो जो सोता ही नहीं है, ऐसा, या तो जो बहुत लेट सोता है या जो इंसान सोता नहीं है, तो आप उसको ऐसा कह सकते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है वो है काउच पटेटो। तो काउच पटेटो का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो दिन भर सोफे पे बैठा रहता है या जो दिन भर भी कहीं पे भी बैठा रहेगा और बस टीवी देखता रहता है या कुछ भी ऐसा टाइम पास करता रहता है, तो उसको हम काउच पटेटो कहते हैं। कि मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो एक ऐसा इंसान जो दिन भर बैठा रहता है एक ही जगह पे। जो हमारा अगला वर्ड है वो है वेट ब्लैंकेट। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, जैसे कि आप कहीं पे बाहर गए घूमने गए तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बीच में आपके एक इंसान जरूर ऐसा रहता है, हर बार रहता है, सबके बीच में रहता है, जो हर बार आपके कुछ ना कुछ में जो आपका अरेंजमेंट होता है या जो भी कुछ होता है उसमें कंप्लेन करता है और वो बाकी सबका मूड खराब कर देता है। तो ऐसे इंसान को हम वेट ब्लैंकेट कहते हैं। अब जो हमारा अगला है वो है चैटर बॉक्स। तो अब चैटर बॉक्स का मतलब कुछ लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे चैटर का आप इसको इससे ऐसे चैट से याद कर सकते हैं। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बात करता हो, जिसका कभी बात करते करते मन ही नहीं भरता हो, दिन भर जो इंसान बात कर सकता है, आप उस इंसान को कभी भी देखेंगे तो वो आपको दूसरों से बात करते ही मिलेगा। तो ऐसे इंसान को हम चैटर बॉक्स कहते हैं, जो लोग बातें बहुत करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है स्मार्ट कुकी। तो स्मार्ट कुकी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि
सारी जो सिचुएशंस होती हैं, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उनको हैंडल करने में सक्षम होता है, और वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। मतलब एक ऐसा इंटेलिजेंट इंसान जो सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने में सक्षम होता है, उसको हम स्मार्ट कुकी कहते हैं। तो ये थे हमारे ऐसे सारे वर्ड्स जो एक इंसान को हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए या आपको कोई और दूसरे टॉपिक पे चाहिए, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।